Leads to question number 26 of exercise 1B, that is real number. Question number 26 is the traffic light at 3 different road crossings. Traffic light से जो 3 crossings पे लगी हुई है, changes after every change होती है. पहली light, first light change होती है, वो कह रहा है first light change होती है after 48 seconds. सेकेंड लाइट चेंज होती है 72 सेकेंड्स पे, एंड थर्ड लाइट चेंज होती है 108 सेकेंड्स पे, राइट. अब क्या कह रहा है, इफ दे ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 8 AM, अगर वो तीनों लाइट्स 8 AM पे चेंज होती हैं, then at what time they will again change simultaneously. तो वो कब, कौन से टाइम पे दोबारा simultaneously change होंगी, ये निकालना है. तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि जब भी टाइम दिया हुआ हो, एक टाइम पे चेंज होती हो और उसके बाद का टाइम निकालना हो, तो हम LCM निकालते हैं. तो हमने 48 का LCM निकाला, फैक्टर्स निकाले, 24, 12, 2 6s, 2 3s and 3 1s. इसी तरीके से 72 का निकला, 2 3s 6, 2 6s 12, 2 1s 2, 2 8s 16, 2 9s 18, 3 3s 9 and 3 1s. And 108 का निकालेंगे अब, 2 5s 10, 2 4s 8, 2 2s 4, 2 7s 14, 3 9s 27, 3 3s 9 एंड 3 1s, राइट. अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 48 को क्या लिखा हमने, 2 की पावर 4 इंटू 3, एंड 72 को क्या लिखा हमने, 2 की पावर 3 इंटू 3, एंड 108 को क्या लिखा हमने, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, राइट. अब हमें क्या निकालना था, अगर वो 8 o'clock 8 AM पे जली हैं सारी लाइट्स, तो नेक्स्ट टाइम कब निकलेंगी. तो LCM क्या आया इसका, LCM आया हाईएस्ट पावर इंटू 3 की पावर 3. तो ये कितना है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27. तो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 27, 7 6s 42, 7 1s 7, 8 9 10 11, 2 6s 12, 2 1s 2 and 3. तो ये कितना आ गया, 2 3 4. दैट मीन्स 432 seconds, राइट. 432 seconds पे साइमल्टेनियसली जलेंगी तीनों लाइट्स. इसका मतलब है 432 पे वो एक साथ, 432 सेकेंड्स के बाद वो एक साथ जलेंगी. अगर हम इसको टाइम में निकालें, मिनट्स में निकालें, तो कितना आएगा हमारा, देखिए हमें पता है 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स, लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था. तो 432 seconds कितना आया, इक्वल्स टू 1/60 इंटू 432, राइट. अब 432 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये कितना आया, 67 420. दैट मीन्स ये कितना बचा, 12. तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 minutes 12 seconds, राइट. जो ये 12 बचा है, दैट इज सेकेंड्स में बचा है. तो नेक्स्ट बेल जो रिंग करेंगी, नेक्स्ट बीप जो रिंग करेगी, नेक्स्ट beep will ring at कितने बजे, 8:07 12 seconds पे, 8 hours 7 minutes and 12 seconds पे. बुक में आंसर्स 8:7:12 करके दे रखा है, आस. ये इसका मतलब है ये मिनट्स में है और ये सेकंड्स में आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.